हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन अनदर वीडियो। सो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे कुछ चटोरा वटोरा खाने के लिए। तो आज हम खाएंगे मंचूरियन भेल। तो भाई साहब अभी हमारे जो मंचूरियन है वो जा चुके हैं पैन में और अभी तो भाई मज़ा ही मज़ा आने वाला है। फिर अभी ये होंगे फ्राई उसके मसाले के साथ में। एंड भाई इनका फ्राई करने का तरीका मतलब कि बेस्ट यार, कितना कितना ज़्यादा मतलब हीट दे दे उस चीज़ को और उसमें सारे मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ है ना वो मिक्स हो जाती है। आप देख सकते हैं सभी मसाले वगैरह डल चुके हैं, इवन ये की जो ब्लैक सॉस होता है वो भी डल चुका है। एंड अभी देंगे भाई साहब इसे हीट बहुत ही हाई लेवल पे। एंड बस भाई साहब ऊपर से ना आग निकलने की बाकी थी, बाकी तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से हीट दी उसको। एंड अगर वैसा हो जाए तो भाई अक्षय कुमार वाली फीलिंग आ जाती। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, तो अभी ये प्लेट में सज गए, कुछ देर बाद ये पेट में सजेंगी। सो अभी हाल ही में तो प्लेट में ही सज रही है एंड काफ़ी अच्छी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अगर आपको चाहिए कि यार पानी पूरी के बाद में अगर कुछ चीज़ स्पाइसी होनी चाहिए तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। गुरुद्वारा में आप चाहे तो मंचूरियन ले सकते हैं या फिर भेल भी ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। मैंने ट्राई की भाई, मैंने अभी स्नैक्स वगैरह डाल दिए ऊपर से एंड काफ़ी मस्त दिख रहे हैं, खाने में भी काफ़ी मस्त मज़ा आएगा। तो भाई साहब अभी बनेगी मंचूरियन भेल, जो कि मैंने पहली बार नाम सुना है यार। तो हमारे दोस्त लोगों ने कहा कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं, पहली बार ही नाम सुना है। तो भैया ने अभी पैन में डाल दिया है मंचूरियन, साथ में उसके साथ में स्नैक्स और मसाले एंड ब्लैक सॉस। सो अभी बढ़िया से इसे हीट दे रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी तो लग रही है अभी। एंड फिर अभी पता चलेगा भाई जब ये प्लेट में सजेगी। तो भाई रेडी फॉर योर प्लेट्स एंड डैम श्योर काफ़ी मस्त लग रही है। सो अभी इसे इस नई चीज़ को ट्राई करना है आपको, तो आपको खाना पड़ेगा गुरुद्वारा चौक में आपको रोटी, एंड आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी मस्त चीज़ है, बहुत ही स्पाइसी भी है। तो भाई इस तरह की कुछ दिखती है हमारी प्लेट। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑल।